हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एक पैनी स्टॉक से पैसा कैसे कमा सकते हैं। बहुत सारे लोग पैनी स्टॉक में निवेश करने के बाद फंस जाते हैं लोअर सर्किट में। लोअर सर्किट में इसलिए फंस जाते हैं, उन्हें कुछ स्ट्रेटजी पता नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक ऐसा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जिससे कि आप पैनी स्टॉक में अच्छे से पैसे कमा पाएंगे। अगर आप 10 पैनी स्टॉक में निवेश करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा अगर आप फंसेंगे भी तो 2 से 3 7 पेनी स्टॉक में आप पैसे आराम से कमा सकते हैं। अगर आप 6 में भी कमा लेंगे तो पैसा बहुत अच्छा बन जाएगा। पेनी स्टॉक में बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, पैसा 10 गुना तक हो जाता है, 100 गुना तक हो जाता है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो 1 रुपए 2 रुपए से 100 रुपए तक चले जाते हैं, 100 गुना हो जाता है, इससे भी ज्यादा जाता है। कुछ ऐसे स्टॉक भी है जो 1800 2000 तक गया हुआ है, आप चेक करोगे तो मिल जाएगा। जैसे कि सेल मैन्युफैक्चरिंग, आप इस कंपनी चेक करोगे तो बहुत ही जबरदस्त रिटर्न निकाल दे रखा है, लाखों% का रिटर्न निकाल दे रखा है। तो किस तरीके से पैसे कमाना है, कैसे ऑपरेटर के साथ मिलकर पैसे कमाना है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप वीडियो पूरा देख लेते हैं मुझे यकीन है कि आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और मेरा नाम है सचिन भगत। तो बात करते हैं पैनी स्टॉक में पैसा कैसे लगाए और कैसे कमाए। सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, वो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। पैनी स्टॉक में दोस्तों सबसे ज्यादा अगर कोई फंसता है तो वो न्यू निवेशक ही फंसते हैं, ठीक है? तो ये मेरा चल नहीं रहा है। न्यू निवेशक ही फंसते हैं। न्यू इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि जब स्टॉक ऊपर भागता है ऐसा करके, तो ये 5-5% या प्राइस बैंड जितना रहता है, 10% 15% 5% 20% जितना उस स्टॉक का प्राइस बैंड रहता है, उस हिसाब से उसमें अपर सर्किट लगता है। अधिकतर स्टॉक को एसी में डालकर रखा जाता है, एसी में एडिशनल सर्विलांस मेजर में रखा जाता है, तो 5% का ही प्राइस बैंड होता है। तो 5% के कारण लालच मन में आता है कि बहुत अच्छा मिल रहा है, हर दिन 5% मिल रहा है, तो चलो पैसे लगा देते हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन जैसे वो खरीदते हैं कुछ दिन तो प्रॉफिट मिलता है, ऊपर जाता है स्टॉक, लेकिन अचानक से गिरते गिरते उसी रेंज में आ जाता है जहां स्टॉक रहता है। तो मतलब प्रॉफिट भी होता है तो फिर फंस जाते हैं लोअर सर्किट में, हम बेच नहीं पाते हैं, कोई खरीदता ही नहीं है। सबसे पहले बता दूं ये कि लोअर सर्किट और क्या है, लोअर सर्किट और अपर सर्किट क्या है, UC LC क्या होता है आखिर। अगर नहीं दिख रहा है आपको तो कोई बात नहीं, आप समझ जाओगे मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है? तो लोअर सर्किट मतलब ये होता है कि उसमें लोअर लग गया है और उसमें कोई बेचने वाला, सॉरी, कोई खरीदने वाला नहीं है। जब हम कोई भी चीज को बेचेंगे और कोई खरीदने वाला नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो गिरेगा। स्टॉक का यही रूल है, वो गिरेगा गिरेगा। हम बेच रहे हैं, आप नहीं खरीद रहे हो, कोई खरीदने वाला है ही नहीं, तो उसमें गिरावट आएगी। जब हम किसी स्टॉक को खरीदेंगे, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग खरीदने लगते हैं और उस टाइम कोई बेचता ही नहीं है। आप एक बात से समझो, मार्केट आप गए पोटैटो लेने, वहां पे बहुत सारे पोटैटो की दुकान है, तो बहुत सारे पोटैटो की दुकान है लेकिन कस्टमर्स नहीं है, लेकिन उसका दाम क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। और एक ही पोटैटो का दुकान है मंडी में और बहुत सारे कस्टमर आ गए, तो उसका दाम ऑटोमेटिक बढ़ेगा। आप समझ पा रहे हैं? उसी प्रकार किसी भी स्टॉक के साथ यही होता है। अगर वह स्टॉक का प्राइस 1 रुपया है, बहुत सारे खरीदने वाले आ गए, तो वो स्टॉक क्या होगा, भागेगा ही भागेगा। अब वहां पे कोई बेच ही नहीं रहा है तो और भागेगा प्राइस, है ना? उसे कहते हैं अपर सर्किट। अपर सर्किट जाता है फिर लोअर सर्किट, तो अपर सर्किट में बहुत मजा आता है लेकिन लोअर सर्किट में मजा बिल्कुल भी नहीं आता है, हर दिन सताता है वो 5% का लॉस देकर। तो चलिए अब मैं यहाँ पे कुछ तरीका बता देता हूँ। मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दिया पैनी स्टॉक में क्या होता है। तो सबसे पहले जो पॉइंट है, 2 पॉइंट आपको याद रखना है। मार्केट तो चल नहीं रहा, अभी मैंने इसमें फिल किया लेकिन ये चल नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसे आपको बता दूंगा। तो मैं ये बता रहा था, पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं या शॉर्ट टर्म के। अधिकतर शॉर्ट टर्म के ही निवेशक होते हैं, और शॉर्ट टर्म के निवेशक हैं तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम निवेश करें एक ऐसे पैनी स्टॉक में निवेश करें जो नीचे में ट्रेड कर रहा है, साइड में ट्रेड कर रहा है, अपना एक ही प्राइस के आसपास। कुछ कुछ मतलब मान लीजिए कि 1 पैसा ऊपर जा रहा है, 2 पैसा ऊपर जा रहा है, अगर 50 पैसे का स्टॉक है तो पैसा पे ही ट्रेड करेगा, 5 पैसा ऊपर जा रहा है 5 पैसा नीचे जा रहा है, ऐसे ट्रेड करेगा। जो साइड वेज में ट्रेड कर रहा है उसमें निवेश करके होल्ड करना चाहिए, फिर एक अच्छा रैली आएगा जाएगा, कभी कभी कुछ गुड न्यूज निकल कर आएगा जाएगा, तो फिर आपको अच्छे प्रॉफिट वहां पे मिल जाएंगे। और ऐसे बहुत सारे स्टॉक होते हैं जो काफी हाई पर चले गए, ऑलरेडी स्टॉक बहुत हाई पे है, और अगर वो स्टॉक हाई पे रहता है तो हाई पे कभी नहीं खरीदना चाहिए, वहां पे बहुत बड़ी गलती होता है। नए निवेशक ही सबसे ज्यादा ये गलती करते हैं और हाई पे खरीद लेते हैं, फिर उसके बाद स्टॉक धीरे 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 सालों लग जाता है गिरने में। जब स्टॉक ऊपर जाता है तो सालों नहीं लगता है, महीने 2 महीने में स्टॉक 1 रुपए से 100 रुपए पहुंच जाता है या 10 रुपए ही जाता है, 10 गुना हो गया, आप समझ रहे हो, 1 महीने में ही।
तो यहाँ पे उस टाइम बहुत सारे लोग खरीद लेते हैं, तो उस टाइम जो खरीदा और प्रॉफिट लेके निकल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे वो फंस जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए साइड में, अगर कोई स्टॉक ट्रेड कर रहा है 50 पैसे के, 50 पैसा ही है 2 महीने 3 महीने 4 महीने से, तो उसमें क्या करना है आप इन्वेस्ट करके होल्ड कर सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, पेनी स्टॉक बहुत ज्यादा रिस्की होता है। अगर आपके वो पैसे को 10 गुना कर सकता है तो आपके पैसे को पूरा पूरा खत्म भी कर सकता है, 90% तक स्टॉक गिर भी जाता है। इसलिए कभी भी एक स्टॉक में पूरा पैसा मत लगाइएगा। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि ऑपरेटर उस टाइम आते हैं जब कोई गुड न्यूज आता है, ऐसे ऑपरेटर नहीं आएंगे, या कुछ कंपनी में होने वाला होता है तो उस जगह पे हमें उससे पहले एंट्री लेकर रखना होता है। नहीं तो अपर सर्किट जब लगेगा, जब बायर्स बहुत ज्यादा आ जाएंगे, तो वहां पे आप खरीद नहीं पाएंगे स्टॉक, और आप हर दिन ऑर्डर लगाते जाएंगे और एक दिन वो बेच देगा तो आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो इसलिए ऑपरेटर से पहले एंट्री लेना और ऑपरेटर की बिजनेस पहले आपको बेच के निकलना है। इसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शॉर्ट टर्म का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपका पैसा डबल हो गया है लेकिन निकल जाइए, और स्टॉक 5 गुना होने वाला आप छोड़ दीजिए उसको, भूल जाइए, नहीं तो जो आपका डबल हुआ है ना वो भी नहीं रहेगा और जो आपका कैपिटल है वो भी नहीं रहेगा। डबल हो गया, अगर आपको ऐसा लग रहा है या कुछ ऐसा खबर ही आ रहा है तो आपको लग रहा है नहीं और स्टॉक जा सकता है ऊपर, तो आप अपना हर दिन स्टॉप लॉस लगाकर रखा कीजिए। अचानक अगर गिरता है तो कोई बात नहीं, वहां पे आप पैसे बना लेंगे। कंपनी का फंडामेंटल देखिए, अगर कंपनी का फंडामेंटल बेस्ट है फिर टेंशन ही मत लीजिए, फिर एक एक दिन अच्छा रिटर्न स्टॉक निकाल के देगा ही देगा। शॉर्ट टर्म के हैं तो प्रॉफिट बुक पे ध्यान देना है, जितना जल्दी आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे उतनी अच्छी बात है पैन स्टॉक में। अगर लॉन्ग टर्म का है तो फिर इन्वेस्ट करके भूल जाना है, फिर कुछ नहीं होगा। अगर कंपनी अच्छी है तो आने वाले समय में पैसा 1000 गुना भी कर सकता है। तीसरा पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अगर एक्टिव रहते हैं, बहुत सारे नए स्टॉक में एक अच्छा रैली आता है, नया स्टॉक में होता है तो बायर्स बहुत ज्यादा आते हैं, कंपनी के फंडामेंटल थोड़ा भी अच्छा है तो। और प्रमोटर्स का होल्डिंग जरूर देखा कीजिए, जिस प्रमोटर्स का होल्डिंग 70% या 50% से भी ऊपर है और वो स्टॉक पैन स्टॉक है तो वो एक ना एक दिन ऊपर जाना है और आपके पैसे को 10 गुना तक कर सकता है। तो प्रमोटर्स के होल्डिंग्स अगर जबरदस्त है तो उसमें आप इन्वेस्ट करके होल्ड कर सकते हैं, और जिसमें नहीं है पैनी स्टॉक में, अगर प्रमोटर्स का होल्डिंग्स नहीं है ज्यादा 50% से प्लस नहीं है, कोई बात नहीं है, उसमें ऑपरेटर जो होते हैं वो स्टॉक को ऊपर एक तेजी लाकर देते हैं। बहुत समय लगता है, सालों, हो सकता है 2 साल बाद 3 साल बाद, तो उसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो ध्यान दीजिए जिसमें प्रमोटर्स के होल्डिंग्स बहुत ज्यादा है उसमें इन्वेस्ट कीजिए, आपको प्रॉफिट मिल जाएंगे, पैनी स्टॉक में पैसा 10 गुना तक हो सकता है। चौथा पॉइंट है कि न्यूज को ध्यान में रखना है, क्वार्टर के रिजल्ट कैसे आ रहे हैं ये सब ध्यान में रखना है, तो फिर आप एक अच्छे प्रॉफिट निकाल पाएंगे। ये सारी बातें यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। मल्टी वेगा रिटर्न तभी आपको मिलेगा जब आप एक्टिव रहेंगे। तो पैनी स्टॉक का एक ही सिंपल यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको हमेशा प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान देना है अगर आप शॉर्ट टर्म के हैं। अगर स्टॉक ऊपर भाग रहे भागने दीजिए, आपका पैसा डबल हो गया है 3 गुना हो गया, निकाल लीजिए बुक कर लीजिए। अगर आपको 5 साल नहीं रुकना है, लॉन्ग टर्म नहीं जाना है। ओके, पांचवा पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी भी जब स्टॉक गिर रहा है लोअर सर्किट में स्टॉक, उस टाइम पैसा मत लगाइए, उस टाइम पैसा बिल्कुल भी मत लगाइए, उस स्टॉक को थोड़ा कंसोलिडेट होने दीजिए। जब तक शेयर कंसोलिडेट नहीं होता है उसमें एंट्री लेना बहुत बड़ा गलती होता है। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको बातें बताया, ध्यान रखिए हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कीजिए, अगर एक अच्छा स्टॉक है तो उसमें लॉन्ग टर्म के लिए जाइए तो आपको अच्छे प्रॉफिट मिलेंगे। तो आई होप आपको बातें सारी समझ में आया होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।